अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ईशा वसीम हियर। आज का हमारा जो लेसन है वो है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। सो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह का है। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है x^y - 2z / xz। हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है पार्ट नंबर 1 की सबसे पहले, उसके बाद पार्ट नंबर 2 की। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास डिफरेंट वैल्यू दी गई है x, y, z की, और पार्ट नंबर 2 में डिफरेंट दी गई हैं। और हमने इन दोनों पार्ट्स की वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करके आंसर फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्वेश्चन रिपीट करते हैं जो कि मैंने पहले से ही कर लिया है। अब इस इक्वेशन में से हम ये करेंगे कि एक्स की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ थी, ऊपर थी, वही हम नीचे लिखेंगे। बस हमने वैल्यूज पुट कर देनी है इसमें एक्स, वाई और जेड की। यहाँ मैंने वैल्यूज पुट कर ली है, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू, जेड की जगह जेड की वैल्यू। आप लोग ने अब ये ध्यान रखना है कि आप लोग ने ये वाली वैल्यूज़ नहीं पुट करनी, आप लोग ने ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि हम लोग पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं? पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। जब आप लोग पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे तब आप लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो जब मैंने वैल्यूज पुट किए तो 3 का क्यूब 27 के इक्वल होता है, और -1 को हमने 27 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 - 2 - 2 + 4 के इक्वल होता है, और यहाँ 3 - -2 - 5 के इक्वल होता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई हो कि नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग ये करेंगे कि 27 को जब हम मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -27 और +4 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग ये करेंगे कि -3 - 2 = 6, हमारे पास 3 - 2 = 6 होता है, 6 आ जाएगा। उसके बाद -27 + 4 के तो किसके इक्वल आता है, 3 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा -23 और -6। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 23 / 6। अब जब आप लोग कैलकुलेटर में 23 / 6 लिखेंगे तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, लेकिन आप लोगों ने इस तरह करके लिखना है। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन जैसे पीछे आंसर बुक में लिखा हुआ है उसमें इस फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है 18 - 6 = 18 और 18 + 5 = 23। तो आप इस तरह भी करके आंसर लिख सकते हैं, 23 / 6 करके भी, और इस तरह भी करके आंसर लिख सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर था। जब हमने पार्ट नंबर 1 की वैल्यूज पुट की हैं हमारे पास ये आंसर आया। अब पार्ट नंबर 2 की वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 में कौन सी वैल्यूज दी गई हैं, एक्स की -1 दी गई है, वाई की -9 और जेड की 4। अब इसी के अंदर हमने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। अब एक्स की क्या थी, -1 थी, तो -1 का अगर आप लोग क्यूब लें ब्रैकेट डाल के तो आपके पास आंसर आएगा -1। उसके बाद y की क्या वैल्यू थी, -9, एज इट इज़ -9 लिख दें नीचे। स्टेप बाय स्टेप काम होता है, ये नहीं कि आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। -2 एज इट इज़, और z की क्या वैल्यू थी, 4, यहाँ z की जगह 4 लिख दिया। उसके बाद हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, डिनोमिनेटर की तरफ। x की वैल्यू -1 थी और z की वैल्यू 4। अब यहाँ 2 - 2 × 4 करेंगे तो -8 आंसर आएगा, और -4 नीचे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग ये स्टेप करेंगे कि -1 - -9 किसके इक्वल आ जाएगा, +9 के, और -8 एज इट इज, उसके बाद -4, पीछे हमारे पास नीचे आंसर आ जाएगा +1 और -4। यह हमारे पास क्या है, आंसर है। आई होप कि बात भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारे पास ए के दो पार्ट्स है जो कि दोनों में सॉल्व कर दिए हैं। हमारे पास बी पार्ट कुछ इस तरह के x^2 - y^3 - 5z / 4 / x^y / z,
अब हमारे पास पार्ट नंबर वन में कुछ इस तरह की वैल्यूज गिवन है। अब इस पार्ट नंबर वन की वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4, 4 का स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या थी, -2 के क्यूब और 5। जेड की वैल्यू क्या थी, -1 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स 4 था, वाई हमारे पास -2 और जेड हमारे पास -1। उसके बाद हम 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के, -2 का क्यूब किसके इक्वल होता है, -8 के, और -5 एलिटिज और -1 के की पावर 4 किसके इक्वल होता है, -1 के। उसके बाद यहाँ 4 मल्टीप्लाई -2 -8 और डॉट -1। उसके बाद अब 16 डॉट -8 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ +5। ठीक है, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन डला हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा और -8 मल्टीप्लाई -1 +8 के इक्वल होता है। 16 मल्टीप्लाई -8 किसके इक्वल होता है, -126 +5 डिवाइडेड बाय 8। उसके बाद माइनस, जब आप लोग कैलकुलेटर पर लिखेंगे -126 +5 तो वो इक्वल आएगा -123 के डिवाइडेड बाय 8। अब आप लोग इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस फॉर्म में आंसर लिखें क्योंकि पीछे आंसर बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। आई होप कि ये पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रही हूँ। इसका सिर्फ एक ही पार्ट है, पार्ट नंबर 1। तो मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर बी के एक ही पार्ट था वो फुल कंप्लीट प्रॉपर स्टेप वाइज समझा दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो ये हमारे पास था एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।